हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और उसी के लिए मैंने आज आपके तिरंगा डोसा प्रिपेयर किया है। आई थिंक आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, छोटी सी वीडियो है और इसको ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले मैंने लिया है डोसा बैटर। डोसा बैटर बनाना मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ पड़ी हुई है, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी। तो डोसा बैटर बनाएं जो एकदम फ्लफ़ी हो, बढ़िया सा। और अब मैंने दो बाउल लिए हैं खाली, उसमें मैंने एक एक ड्रॉप कलर डाला है, एडिबल कलर जो होते हैं जिसे हम खाते हैं, तो ग्रीन और ऑरेंज। फिर मैंने इसमें लगभग थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दिया है और एक ऑरेंज बना दिया है एक पार्ट, और एक पार्ट मैंने ग्रीन रखा है। स्पून्स बिल्कुल अलग अलग रखे, नहीं तो फिर वो आपस में मिक्स हो जाएगा और कलर एक दूसरे में आ जाएगा। और मैंने थोड़ा बैटर जो है बिल्कुल वाइट रखा है, क्योंकि हमें तीन ही कलर चाहिए, झंडे वाले तीन कलर, उसी कलर का आज हम डोसा बना रहे हैं। देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बनाना भी बेहद आसान है। तो क्यों ना इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस इंडिपेंडेंस डे पर हम इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैंने ऑरेंज जो है डोसा छोटा सा बना दिया है। फिर बहुत ही सावधानी से केयरफुली मैंने वाइट कलर का जो पेस्ट है वो डाल दिया है। थोड़ा सा ओवरलैप भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में ठीक हो जाता है वो बनने के बाद। फिर मैंने ग्रीन लेयर डाली है, इसको भी स्पून की हेल्प से अच्छे से फैला दें, इक्वल कर दें तीनों पार्ट को। बस थोड़ा सा उसमें देसी घी डालें ताकि टेस्ट भी अच्छा है, उसे हम अच्छे से खा सकें। और बस थोड़ी देर में कुरकुरा डोसा एकदम तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल झंडे का लुक दे रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डोसा बन गया है। बहुत इजी सा एक प्रोसेस है, ऐसे बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है तो मैंने इसके लिए स्पेशल इसको तैयार किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगी। ये डोसा भी बहुत ही सुंदर बना है। इसको रखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने सांभर और चटनी भी प्रिपेयर की थी इसके साथ में, और इसका भी लिंक यूट्यूब चैनल पर मैंने पहले इस वीडियो डाले हुए हैं, लिंक मैं आपको दे दूँगी। इस तरीके से देखिए, चटनी के साथ सर्व करें, सांभर के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही खाने में भी टेस्टी है और दिखने में एकदम बढ़िया। देख सकते हो कितना कुरकुरा डोसा बना हुआ है। तो मैंने इसको एक इस तरीके से देखिए रखा है। तरीके बहुत सारे हैं इसको रखने के, मैंने भी बहुत सारे ट्राई किए हैं, जो आपको पसंद आए वो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने देखिए तीन डोसे बनाने के बाद अलग अलग तरीके से कलर दिए हैं, किसी में वाइट पहले, किसी में ऑरेंज बाद में है, इस तरीके से। फिर मैंने इस तरीके से एक डोसा रखा है। जैसे भी आप चाहें वैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो सभी को अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तिरंगे झंडे को हम कैसे बनाएं, यानी कि तिरंगा डोसा हम कैसे बनाएं। चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।